गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम जोसेफ साबियो डिसूजा और आज हम लोग जो है वो क्लास जो पिछला क्लास में जो एक्सप्लेनेशन हुआ है उसका आज हम लोग कंटिन्यूएशन करेंगे. द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. इट्स क्लास 9th एंड इट्स इन हिस्ट्री. तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है लोग जो है वो फ्रस्ट्रेटेड हुए थे और इनके पीछे क्या कारण है उनको हम लोग बहुत ही डिटेल से जो है आज के टॉपिक के द्वारा जो है वो जानेंगे. तो हम लोग उसके लिए सबसे पहले देखेंगे फ्रांस इन द लेट 18th सेंचुरी. जो फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो इन द लेट 18th सेंचुरी में किस प्रकार से थी ये हम लोग जो है वो पहले समझेंगे. जो फ्रांस सोसाइटी थी वो फ्यूडल लॉर्ड्स के ऊपर जो है वो या फ्यूडल सोसाइटी थी. अब फ्यूडल सोसाइटी क्या होती है? फ्यूडल सोसाइटी का मतलब होता है कि एक बहुत बड़ा राजा या हो सकता है ज़मींदार, इस तरह से एक अमीर बादशाह जो है वो हुआ करते हैं और ये अमीर बादशाह क्या करते हैं, उनके अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गरीब लोग होते हैं उनको अपने अधीन में रखते हैं और उनसे जो है अपनी जो भी स्टेट है उनके ऊपर काम वगैरह जो है वो करवाते हैं और जो भी प्रॉफिट वगैरह जो भी पैसा मिलता है वो लाकर उन्हें देना पड़ता है. तो ये एक फ्यूडल सोसाइटी जो है वो होती है. तो इसी तरह की सोसाइटी जो है वो फ्रेंच में जो है हमें लेट 18th सेंचुरी में जो है वो दिखने को मिलती है. जैसे कि लुईस 16 इन 1774 लुईस 16 फ्रॉम द बोबन फैमिली ही बिकेम द मोनार्क. तो लुईस 16 जो है ये एक मोनार्क, मोनार्क का मतलब होता है बादशाह. तो 1774 में लुईस 16 जो कौन से खानदान से बिलोंग करते थे, बोबन फैमिली. ये बोबन फैमिली जो है ये इसी तरह से बादशाहों की फैमिली थी और इसमें एक के बाद एक इन्हीं में से बादशाह जो है अपनी हुकूमत जो है वो फ्रांस जैसे देश में जो है वो चलाते थे. तो जब अभी लुईस 16 की आती है इन 1774 तभी वे बादशाह बन जाते हैं फ्रांस के और तभी उनकी उम्र जो है वो मात्र 20 साल की होती है और तभी उनकी शादी जो है वो मारिया आंतोनेट जो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस है जो फ्रांस के एकदम साइड में एक ऑस्ट्रिया करके एक जो देश है वहाँ की ये प्रिंसेस थी जिनका नाम मारिया आंतोनेट थे मारिया आंतोनेट था. तो उनसे इनकी शादी जो है वो होती है और जैसे ही यहाँ पर लुईस 16 जो है वे बादशाह बन जाते हैं तो सबसे पहले वो क्या देखते हैं, जो स्टेट ट्रेजरी है जो खजाना है स्टेट का वो एकदम खाली जो है वो पड़ा हुआ है. तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है अगर हम स्टेट को चलाना चाहते हैं या देश को चलाना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ पैसे ट्रेजरी में होना ज़रूरी है. पैसों के बगैर जो है आप अपने देश को जो है वो नहीं चला सकते. और यहाँ पर लुईस 16 क्या देखते हैं कि वो देखते हैं कि जो स्टेट ट्रेजरी है वो एक तरह से खाली पड़ी हुई है. ये कैसे खाली पड़ी हुई है ये भी हम लोग देखेंगे. मेंटेनेंस ऑफ कोर्ट, पैलेस, यूनिवर्सिटीज़, आर्मी, वॉर एक्सपेंसेस एक्सेट्रा. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स कि लुईस 16 जो है उनकी लाइफस्टाइल जो है वो एकदम एक्स्ट्रावेगेंट थी. मतलब वे बहुत ही आलीशान लाइफस्टाइल जो है वो जीते थे और बहुत सारा पैसा जो है वो पानी की तरह जो है वो अपनी लाइफस्टाइल पर जो है वो ऐसे ही उड़ा देते थे. दूसरी बात ये है कि बहुत बड़े जो है पैलेसेस थे जैसे कि कोर्ट्स थे, पैलेसेस थे वसाइलस में. तो जैसे कि उनको मेंटेन करना बहुत सारा खर्चा जो है इसमें आता था और उसमें भी बहुत सारा पैसा जो है वो लग जाता था. इसके अलावा बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ है, उन यूनिवर्सिटीज़ को मेंटेन करना, वहाँ पर जो कर्मचारी काम करते हैं उनको सैलरी देना, इन सारी चीज़ों में भी बहुत सारा पैसा जो है स्टेट ट्रेजरी में से जो है वो लग जाता था. और उस वक्त एक वॉर जो है फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में जो है वो होता था और इस वॉर को लेकर आपको मालूम ही होना चाहिए स्टूडेंट्स कि जब भी युद्ध होता है तो आर्मी को मेंटेन करना और इक्विपमेंट्स को खरीदना, नए इक्विपमेंट्स को बनाना, इन सारी चीज़ों में बहुत सारा पैसा जो है वो लगता है. और यहाँ पर देखिए तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में जो है वो
जोरदार वॉर जो है वो हो रहा था, और इसमें भी बहुत सारा पैसा जो है वो स्टेट ट्रेजरी में से लग रहा था। उसके बाद ऐसा हुआ कि ब्रिटेन जो है उन्होंने अमेरिका में 13 कॉलोनीज़ को अपनी तरह अपने कब्जे में करके रखा हुआ था। ब्रिटेन ने अमेरिका में 13 कॉलोनीज़ को अपने कब्ज़े में करके रखा था, और यहाँ पर फ्रांस ने क्या कर दिया, अपने बलबूते पर उन 13 कॉलोनीज़ को जो है वो आज़ादी जो है वो दिलवाई, और इसमें भी उनको बहुत सारा पैसा जो है वो लगा। किससे आज़ादी दिलवाई? ब्रिटेन से जो है वो आज़ादी दिलवाई। और इस युद्ध में जहाँ पर इन्होंने अमेरिकन के 13 कॉलोनीज़ को ब्रिटेन से आज़ादी दी, तो इस युद्ध में भी उनको बहुत सारा पैसा जो है वो लगने लगा। वॉर एक्सपेंसेस और सारे एक्सपेंसेस मिलजुल कर, जैसे कि यहाँ पर 2 बिलियन लीवर्स जो है वो करेंसी होती है फ्रांस की, 2 बिलियन लीवर्स जो है इस तरह के खर्चा जो है वो स्टेट के ऊपर या कंट्री के ऊपर जो है वो आ रहा था। इसके अतिरिक्त स्टूडेंट्स ऐसा था कि फ्रांस को कई देशों ने, यूरोपियन कंट्रीज़ ने या हो सकता है किसी संस्था ने उनको कुछ पैसे दिए हुए थे उनके खर्चे के लिए, या जो भी लोन लिया हुआ था फ्रांस ने, तो उनका इंटरेस्ट भी जो है 10% जो है वो अभी लागू करवाया गया था, और वहाँ पर भी उन्हें बहुत सारा पैसा जो है वो खर्च जो है वो करना पड़ रहा था। तो ये पॉइंट हम लोगों ने अच्छी तरह से अभी समझा है, द ट्रेजरी वॉज एम्प्टी, और ये किस लिए एम्प्टी था, बिकॉज ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ कोर्ट, पैलेस, यूनिवर्सिटीज़, आर्मी, वॉर एक्सपेंसिस एक्सेट्रा। तो जैसे कि ये भी पॉइंट हम लोगों ने अभी देख लिया है, अमेरिकन कॉलोनीज, जो 13 अमेरिकन कॉलोनीज के बारे में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उसके बाद लैंडर्स इंक्रीज दिया इंटरेस्ट, जैसे कि मैंने ऑलरेडी अभी बताया कि किस तरह से जो है वो कुछ पैसे जो है लोन के आधार पर फ्रांस को दिए गए थे और 10% इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा था, तो अभी ये इंटरेस्ट ही काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, और ये पे करने के लिए भी जो है वो बहुत सारा पैसा जो है वो चाहिए था। लेकिन ऐसा हो गया था कि ये सारा पैसा जो है वो अभी ट्रेजरी ख़त्म होने की वजह से वहाँ पर नहीं था। और जैसे कि स्टूडेंट्स थोड़ा सा हम लोग फ्लैशबैक में जाते हैं, शुरुआत में मैंने बताया था कि जो फ्यूडल सोसाइटी थी, ओके, फ्रांस की जो सोसाइटी जो है वो फ्यूडल सोसाइटी थी, और इस सोसाइटी को 3 भागों में डिवाइड किया गया था। सबसे पहले है फर्स्ट स्टेट, उसमें सारे क्लर्जीमैन हुआ करते थे। क्लर्जीमैन कौन होते हैं? जैसे कि क्रिश्चियन लोग के जो पंडित होते हैं, जो पुरोहित होते हैं, जिनको हम लोग अगर जैसे कि यहाँ भारत जैसे देश में हम लोग देखेंगे तो जैसे कि हिंदुओं के पंडित पुरोहित होते, उसी तरह से क्रिश्चियन लोगों के जो पुरोहित या पंडित होते हैं जिनको क्लर्जी कहा जाता है या जिनको फादर कहा जाता है। आप लोगों ने कई बार फिल्मों में वगैरह देखा होगा, वो लोग सफ़ेद लिबास पहनते हैं और चर्च में प्रवचन वगैरह सुनाते हैं, प्रार्थना करते, तो ये क्लर्जी मैन है। तो ये फर्स्ट स्टेट के लोग थे, ये काफ़ी प्रभावशाली लोग थे, क्योंकि ये लोग जो भी प्रवचन या जो भी बात करते थे सभी लोगों को इनके आदेशों का मानना पड़ता था और इनको सम्मान वगैरह देना पड़ता था, और ये लोग बहुत ही पैसे वाले भी हुआ करते थे, और ये लोग चर्च वगैरह में रहते थे और चर्च प्रॉपर्टीज़ वगैरह सबका ध्यान जो है वो लोग रखते थे। तो ये बहुत ही प्रभावशाली लोग थे जो क्लर्जीमैन थे। उसके बाद जो है सेकंड स्टेट, जिसमें नोबल्स थे। नोबल्स कौन होते हैं? जो सब जो बादशाह के जो रिश्तेदार है, बेटे हैं या जो भी उनके भाई है, जो सब रूलर्स है, जो रूल कर सकते हैं, ओके। लेकिन अभी क्या है कि एक बादशाह है तो वो रूल नहीं कर रहे, तो ये सारे रूलर्स जो है वो नोबल्स में आते हैं। ये भी प्रभावशाली लोग हैं, काफ़ी अमीर भी है और काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, ये सेकंड स्टेट में आते थे। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, उसमें है थर्ड स्टेट के लोग, जिसमें जो कॉमन मैन है, पुअर पीजेंट्स है, या जो लेबरर्स है, या फिर हो सकता है पुअर पीजेंट्स, और उसके साथ साथ इनमें कई एडुकेटेड लोग भी थे, जो कुछ बिग बिजनेसमैन थे या लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे, टीचर्स थे, ये भी ये इन थर्ड स्टेट में जो है वो आते थे। और जब भी यहाँ पर कुछ भी टैक्स जो है वो पे करने की बात आती थी सरकार के द्वारा, तो केवल थर्ड स्टेट के जो लोग थे उन्हीं को जो है वो टैक्स जो है वो पे करना पड़ता था। और ये फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, ये दोनों स्टेट्स के जो लोग थे, ये दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स। इसका मतलब ये है कि वे लोग टैक्स जो है वो नहीं पे करते थे, ओके। तो ये हम लोग डिटेल से हम लोग अभी जो है वो स्टडी करेंगे।
तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हुए हम लोग ये देखते हैं कि 90% वर पुअर पीजन्स एंड मोस्ट ऑफ देम डिडंट हैड देयर ओन लैंड टू कल्टिवेट. 90% जो लोग थे वो पीजन्स थे, वो पुअर पीजन्स थे, गरीब थे, और उनके पास खेती बाड़ी करने के लिए ज़मीन वगैरह या कल्टिवेशन करने के लिए ज़मीन वगैरह जो है वो नहीं थी, और मजबूरन उन्हें बड़े बड़े ज़मींदार या बड़े जो रिच लोग हैं या नोबल मैन है, क्लर्जी मैन है, उनके वहाँ जो है उन्हें जो है वो काम जो है वो करना पड़ रहा था. 60% लैंड वॉज ओन्ड बाई नोबल्स, क्लर्जी एंड द रिच पीपल. 60% ज़मीन जो है वो जो नोबल मैन थे, जो रिच मैन थे. नोबल मैन क्या है वो मैंने ऑलरेडी ही ऊपर एक्सप्लेनेशन में बताया है. वे रूलर्स के, जैसे कि जो बादशाह है उनके जो रिश्तेदार, दोस्त वगैरह सारे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, तो उनके पास ज़मीन हुआ करती थी. क्लर्जी मैन क्या है वो भी मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है. जो पादरी साहब होते हैं, जो पंडित पुरोहित क्रिश्चियन लोग के होते हैं, तो वे है, तो उनके पास भी चर्च की बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो है वो लोग संभालते थे, और उसमें से उनको कई सारा फ़ायदा जो है वो होता था, और वो उसका लाभ जो है वो उठाते थे. और जो रिच पीपल है, जो अमीर लोग हैं, ज़मींदार है, उनके पास ये सारी ज़मीनें वगैरह होती थी. और इन तीनों की जगह पर जो गरीब लोग हैं, जो पुअर पीजन्स है, उन्हीं को काम करके जो है अपना पेट या अपना गुजारा जो है वो करना पड़ता था. और इसके बदले में स्टूडेंट्स उन्हें बस थोड़ा सा पैसा जो है वो मिल रहा था, उनका काफ़ी शोषण जो है वो हो रहा था. तो स्टूडेंट्स याद है ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया था तीन स्टेट्स के बारे में, और आप लोगों को ये भी मैंने बताया था कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट जो है उन लोगों को कुछ एग्जाम्स दे वे एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस. ओके, ये भी मैंने समझाया था कि उन लोगों को स्टेट के द्वारा अगर कोई भी टैक्सेस जो है वो लागू करवाए गए हैं, तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट इन दोनों स्टेट्स को टैक्सेस पे नहीं करना था. लेकिन वो देवा एग्जेम्प्टेड, मतलब ये लोगों को टैक्सेस पे करना नहीं चाहिए था, मतलब ये लोग पे नहीं करते थे. ओके, एंड दे इंजॉयड सर्टन फ्यूडल प्रिविलेजेस. कुछ फ्यूडल प्रिविलेजेस वो लोग इंजॉय कर रहे थे. क्या है फ्यूडल प्रिविलेजेस? फ्यूडल प्रिविलेजेस यही है कि टैक्स पे ना करना, बल्कि जो पैसा आ रहा है गरीब लोगों से, थर्ड स्टेट में से, उनमें से कुछ हिस्सा जो है इनको भी मिल रहा था. उसके ऊपर जो गरीब लोग हैं वो इन्हीं की ज़मीन जायदाद या जहाँ कहीं पर भी काम करके जो है इन्हें और भी जो है पैसा जो है वो बेनिफिट ला के जो है वो देते थे. तो ये सारे फ्यूडल प्रिविलेजेस जो है वो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग जो है उनको मिलते थे. और तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफ़ी है. अगले लेक्चर में हम लोग जो है डिटेल स्टडी जो है करेंगे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.